किसान है सर, ये कि ये कोई ये लाखों करोड़ रुपए नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। खाने पीने का प्रबंध पूरा घर से ही लेकर आए हैं। एक यानी कि एक महीने तक भी अगर रहना पड़ेगा तो हमारे सब पास पूरा प्रबंध है। एक महीने का खाना हम साथ लेकर आए हैं। तो रसद, पानी, गैस, चूल्हा, हाँ, सभी हमारे साथ है। अच्छा। पूरा यानी कि रसोई का सामान ट्राली में पूरा लेकर आए हैं। ठंड से बचने का क्या जुगाड़ है? ठंड से बचने का रजाई, बिस्तरा, पूरा घर की तरह पूरा प्रबंध है ट्राली में। एक ट्राली में अगर बात करें तो एक ट्राली में कम से कम कितने लोग चल रहे हो आप लोग? एक ट्राली में कम से कम 15 से 20। किसान है सर, ये कि ये कोई ये लाखों करोड़ रुपए नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आप लोगों का मुख्य मांग है कि सरकार कम से कम बातचीत करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत करे, बताए तो सही, किसान से पूछे कि आपको दिक्कत क्या है, बताए कि भाई तुम्हारी ये दिक्कत ये सोल्व नहीं हो सकती है, तुम्हारी मांग ये जायज है, ये तुम्हारी मांग है हम मान सकते हैं, ये मांग तुम्हारी नाजायज है ये हम नहीं मान सकते। ये सरकार कम से कम बताए तो सही, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या दिल्ली का दरबार केवल अडानी की तिजोरियों की रक्षा करने के लिए है? सर, क्या दिल्ली की सल्तनत की नींव इस देश के किसान और खेत मजदूर ने नहीं रखी है? क्या हम जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, ये हजारों किसान पंजाब हरियाणा के जो आए हैं, हम उग्रवादी या अपराधी हैं, या दिल्ली की सल्तनत इन किसानों की रोटी से चलती है? किसान की आंख का, किसान के खेत का पानी अब किसान की आंख का पानी बन गया है। और जब दिल्ली और चंडीगढ़ के दरबार किसान को पीड़ित करेंगे, काले कानून बनाकर उसकी रोजी रोटी और समर्थन मूल्य अगर छीनेंगे, तो कांग्रेस पार्टी, ये दलों की क्योंकि लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये रोजी रोटी खेत खलिहान की लड़ाई है। हम सब सारे राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित, इस लड़ाई में इस देश के किसान के साथ खड़े हैं। और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने भाइयों के साथ खड़े होकर देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। सर, बीजेपी दिल्ली तक के सारे से कहते आए हैं कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अध्यादेश को लेकर, ये कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस के किसान है ये। माफ कीजिए, किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, किसान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप 3 दिसंबर को क्यों बुला रहे हैं? आप
किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज गारंटी दीजिए, मोदी जी की हम सबसे पहले तारीफ करेंगे। और आप लिखिए कानून में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, हम सब मिलेंगे, सब उनकी जय जयकार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रणदीप जी, किसान को अगर आप उत्पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, तो दिल्ली का दरबार एक मिनट चल नहीं पाएगा। रणदीप जी, दो दिन हो गए किसानों को, खुला समर्थन था, खुला समर्थन है और रहेगा। और आज मैं एक बड़ा बड़ा वादा करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी जी ने कहा है, सोनिया गांधी जी ने कहा है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, इन तीन काले कानूनों को फाड़ कर फेंक दें। Have we a we've got a constitution in this country, or don't we have one? If we have one, then that constitution clearly states you have freedom of speech, freedom of thought, freedom of action. And what the farmers here were agitating against the bills that they have brought. Now, you can't stop a person going to your capital city where parliament is and expressing their views. Why are you stopping them? Anyone, anytime you want to, and there's an agitation, people have been allowed to go there and had it. Don't you remember the BJP agitation, which was a massive RSS one organized in Ramlila Madans? I remember that day when it was happening in Delhi. Why don't you allow the farmers go and to give their views? And say ke hum bilkul isse khilaf hain ya khilaf nahi hain, jo bhi unhone dena hai wahan kare. But unko rokna is going against the constitutional spirit and the spirit of freedom of speech of this country. This I do not agree with. I think the Haryana government should have just allowed them to go, and the Delhi government should give them space to go and sit down and make their point of view, and then they'll come away. But if you try to stop them, then every reaction has a counter reaction. If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn.